सो नाउ लीला गॉट मैरिड सिक्स ईयर्स अगो ठीक है तो लीला गॉट मैरिड सिक्स ईयर्स अगो तो लीला की age ले 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 आर, एज ले लो यार प्रेजेंट एज ठीक है तो प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज ऑफ लीला इज इक्वल टू एक्स ईयर्स ठीक है ओके okay, अब अब लीला गॉट मैरिड सिक्स ईयर्स अगो तो सिक्स ईयर्स अगो लीला की एज क्या होगी सिक्स ईयर्स अगो लीला की जो एज होगी दैट विल बी नथिंग बट एक्स माइनस सिक्स ठीक है अब आपसे क्या बोला है टुडे हर एज टुडे हर एज का मतलब है प्रेजेंट एज टुडे हर एज इज अब मैं जो कंडीशन लगा रहा हूँ ध्यान रखना टुडे का मतलब है एक्स ओके टुडे हर एज इज मतलब इक्वल टू वन वन बाई फोर वन वन बाई फोर टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज तो सिक्स ईयर्स अगो पहले मैरिज हुई थी ये मैरिज वाली एज है ब्रैकेट में मैं मैरिज एज भी लिख लेता हूँ ये मैरिज एज है ठीक है लीला की तो वन वन बाई फोर इंटू एक्स माइनस सिक्स ओके तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है ओके एज सच देर इज़ नथिंग मच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो so, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं फोर वन जब फोर प्लस वन फाइव फाइव बाई फोर ठीक है इंटू एक्स माइनस सिक्स तो यहाँ से एक्स आ जाएगा ठीक है यू कैन ईजिली कैलकुलेट एक्स ओके सो फ्रॉम हेयर ठीक है सॉल्व फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थर्टी ठीक है एंड फाइव एक्स माइनस फोर एक्स एक्स तो एक्स यहाँ से कितना आ गया थर्टी ठीक है एक्स आ गया थर्टी एक्स का मतलब है आ, लीला की एज आ गई लेकिन आपको निकालना क्या है वट यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड द प्रजेंट एज ऑफ हर सन ठीक है तो सन एज अब यहाँ से आप लिख लिख सकते हो सन एज इज सन सन इज इक्वल टू वन बाई टेन टाइम्स वन बाई टेन टाइम्स ऑफ हर एज ऑफ हर एज का मतलब है अभी की जो एज है उसकी तो अभी की कितनी एज आएगी उसकी थर्टी ठीक है लीला की ओके तो सन की एज कितनी जाएगी सन की एज विल बी थर्टी बाई थ्री इज ईक्ल टू थ्री ईयर्स ठीक है तो वही तो निकालनी है आपने उसकी सन की एज निकालनी है ठीक है सो थ्री ईयर्स इज द राइट आंसर इतना सिंपल सवाल है